लालकुआ में डीएफओ और एनएस के अधिकारियों ने हाथी कॉरिडोर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान तराई केंद्रीय वन प्रभाग के प्रभागी वन अधिकारी वैभव कुमार ने कहा कि संयुक्त रूप से हाथी कॉरिडोर का व्यापक निरीक्षण किया जा रहा है और हाथियों के आने जाने के रास्तों का मुआयना कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाएगी। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। करनी है क्या हमारी साइड से, मतलब मेजर्स ही अडॉप्ट किए जाएंगे कि हाथी के जो आवागमन या जो नुकसान को जो लेके कोई भी वो नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, तो इसके लिए बस फैसले जो लिए गए हैं, जो भी साइड पे फैसले जो लिए गए हैं उसमें उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। क्या आज इसी तरह से हमारे द्वारा जो रहनी चाहिए के अधिकारी उनके साथ बैठक की गई और साथ में और सभी के साथ ही सहयोग गई। बोला टांडा टांडा कॉरिडोर का जो है ना एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें जो है रुद्रपुर जो हमारा रुद्रपुर से और अपना काठगोदाम जो नेशनल हाईवे है, इसमें पूर्व में जो है कुछ कॉरिडोर के लिए जो है वो अंडरपास जो है वो प्रस्तावित किया गया था।